एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं हर्ष एंड बसी अनलीश्ड क्राउड वॉक स्टैंड अप कॉमेडी। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी होने जा रहे हैं हर्ष और ऑल्सो बसी का, मतलब दोनों का एक साथ यहाँ पर। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। ओके देखो ऐसा, मैं दारू पीने आया था और बहुत दिन हो गए थे स्टेज पर आए हुए, तो मैंने कहा माँ चला शो थोड़ी देर हम करेंगे फिर देखी जाएगी। आप बकचोदी करते हैं लोगों से भाई, कितने दिनों बाद चेहरे देखने को मिल रहे हैं। क्या करता भाई इतने गंदे जूते पहनने के अलावा? कितने गंदे, कैसी ऑडियंस है तेरी हर्ष? गिफ्ट कराऊं बढ़िया से? बहुत सही लग रहे हैं भाई ये। मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं आके गिफ्ट करूं जूते। क्या करते हो आप? स्टूडेंट? और इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर? स्टूडेंट मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज के। मेरे शो का वेट कर रहा था फिर मजबूरी में इसके शो में आया हर्ष। डेढ़ घंटे इसके पढ़ मान लियो। ये व्हाइट वाला बता रहा हूँ तुझे। कहाँ स्टूडेंट हो भाई? गैस्ट्रो टेक्नीशियन। गैस्ट्रो टेक्नीशियन ये होता है? तूने बनाया अपने आप ये? आप क्या करते हो भाई? अरे तुम मुझसे बात करो ना, बिल हो जाएगा। क्या करते हो? यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ये आपकी गर्लफ्रेंड है? तैयारी वाले को कौन सा लौंडा पटाना होता है? आपको लग रहा है इसका सिलेक्शन हो जाएगा? सीरियसली अभी निकला आपका मेन सेंस? अभी तक नहीं हो रहा इसका कुछ भी। एक तो लड़कियां भोली इतनी होती है ना, लग रहा है इसका सिलेक्शन। दारू पी रहा है ये, शाम को चुटकुले सुनता है। धोनी की टी शर्ट पहन रहा है 28 साल की उम्र में ये। तुम लग रहे हो लड़के एकदम जवान, स्प्राइट पीने वाले। अभी दारू की उम्र नहीं हुई या पीते ही नहीं हो? पी के देख बात, बहुत मजा आता। मतलब तुम जानते हो ना, आप जानते हो ना, इन उठ के चांटा मारते फिर क्यों करेगा? भाई मैं बकचोदी कर सकता हूँ, ये क्यों कर रहा है रैंडमली? भाई तैयारी पे ध्यान दो, तुम पियो पियो। हराम जाते लौंडे ये, देख के लग रहा है वेस्ट दिल्ली के हैं ये। ठीक है इनकी मारेंगे हर्ष दोनों की, वो वाला रिकॉर्ड कर लेंगे। करें तुम दोनों को फेमस करें आज। क्या नाम है? तनिष्क। ये कैसे नाम रखते हैं माँ बाप? सुबह सुबह अखबार खोले जिसका ऐड आया नाम रख दिया। आप न्यूली मैरिड हो मैम? कितने दिन हो गए? महीना भरी हुआ है और चुटकुलों की जरूरत पड़ गई? क्या करते हैं तनिष्क? अभी 12th पास हुई है। ओके क्या करना है आगे? बीबीए। भैं तो तूने ये सोचा? अबे कम से कम पायलट बनने की तो बोल यार कम से कम। करेगा हर्ष, हर्ष मारेगा अभी तुम्हारी। हर्ष के शो में पहली रो में नहीं बैठते, फिर आगे बीबीए करने लायक भी नहीं रहते। और ये इतना जलील जलील करता है ना सिर्फ। हाँ हाँ मौका है, नहीं बाप थोड़ी भागने दूंगा। पहले जलील करेगा फिर वीडियो भी डाल देगा। और इतना हराम ये स्टेज पे बुला भी लेता है। फेमस नहीं होता उससे, चूते कटना कहते हैं उसको। बारहवीं में यही तो दिक्कत है मेरे साथ, तुझे लग रहा है बीबीए भी अच्छा कोर्स होता है। चलो स्टार्ट क्लैपिंग, वी विल कॉल हिम। बुढ़ी तेरी अपनी ऑडियंस कम थी जो मेरी। तू का बीबीए कर रहा? ये तू बीबीए ये बताने वाला कोर्स है? नहीं तू तो फिर बीडी का कल एक लौड़ा कर रहा था बीबीए ऑनर्स। मैंने कहा वाह हग रहे लेकिन फ्रेश है एकदम। तुम फिर आके कल भी जली लोगे गए थे तुम यहाँ पे, तुम्हें फिर आ गए। तुम लोग को बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई क्या? हाँ तैयारी कर रहा है किस चीज की?
वो उस लेवल पे जा चुका है कि उसने तैयारी करने की तैयारी कर रहा है, मैच इतने साल से कर रहा है। आप पहले शो सुन चुके इसका? कल ही मर के गए भाई दोनों, ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या लग रहा है कोचिंग आधी है पढ़ पढ़ा ले भाई, कहाँ इसके चक्कर पड़ रहा है, वेकेशन चल रहा है तो वो सब करो ना जिसके लिए होता है वेकेशन। हमें क्यों देख रहे हो? क्या चीज़? हम लोग गुंडे टाइप के नहीं लग रहे, दो चढ़े मुझे हैं चुप। किसी को मार तो मार भी सकते हैं। ये बीबीए कर रहा है, खुद को ताटा मारता होगा। ऐसे बॉयफ्रेंड रखते हैं? क्या पसंद है तुमको इसके बारे में वैसे ये बताओ? हैं? कुछ खास नहीं। 115 लोगों के सामने बेइज्जती कर रहे हो तुम। कल को आईएएस बन के इंतकाम ले लेगा ये। आप लोग भाई साहब पूरा टब लेके बैठे हुए हैं, जो 3 बाल्टियां लेके। ओ भाई साहब, ये माय काइंड ऑफ पीपल। इतनी तो मैं पी चुका हूं, शो शुरू हुआ। वॉशरूम जा सकते हो वहां पे, और वहां पे स्पीकर भी है, आराम से वहीं एंजॉय करो बैंड, सुनते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तेज तेज हंसोगे तो ज्यादा ज्यादा निकलेगा। ये भी होता है, बहुत दिन नहीं हो गए लॉकडाउन में तुझे। इन वालों से बात करो, ये हैं परम बकचोद सारे। कौन से? ये वाले रेड वाले भाई, देख वो हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग करके पैसे कमा चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर है जो तुम लोगों ने जितना काटा है ना जनता का, तुम्हारे चक्कर में स्कॉर्पियो ने टेम्पलेट बना दिया, पीछे लिख के भेजते हैं वो लोग अपने तरफ से। अरे कुछ नहीं, चोरी के पैसे से कुछ भी कमाओ। यहाँ पे वो भी था ना कोई, वो क्या था, वो पेडिट्रिशियन, क्या काम करते थे तुमको? गैस्ट्रो टेक्नीशियन, ये क्या होता है? जो पेट पे हाथ रख के गैस बता देते हो। क्या करते हैं ये लोग? वो जो अंदर जाती है 50 लाख का, तो 13 कौन सा है? कैसे कर रहा है ये बनाता हूँ वो। तेरे मन में क्यों आया कि ये वाला कोर्स करना? देखा चलो कर लेते हैं। कहाँ तू गैस चेक कराने जाता रहता था? कहाँ देखा, ये कैसे देखने को मिलता है? किचन में रुकता था मम्मी के पास सिलेंडर के बगल में, गैस देखता था। कहाँ थे भैया? गर्लफ्रेंड है तेरी? कैसी लड़की चाहिए तुझे जो मैं दिला दूं? 6,000 लगेंगे। उसके बाद भी तुझे मना कर देगी वो, तेरे मुंह पे पैसे मारेगी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आदमी को गैस चेक करनी आनी चाहिए। बेंचो सेम जोक की 4 वीडियो डालेगा। 6,000 में करियर बना लिया, घुमा फिरा के ले ही आता वो बात बैठ के। मुझे याद आ जाती है उनकी, मतलब उनकी नहीं। भाई अपनी मारेंगे तेरी, बस होगी तेरी आज की। और ऐसे बाहर नहीं बोलते कि दिला दो। हाँ समझ रहा है ना तू, क्योंकि जिनमें कैलिबर होता है उनपे होती है। नहीं तो यहाँ बाहर खड़ा हो जाए गुड़गांव में सारा मॉल के नीचे, मिले ना मिले तू कहीं जाएगा। मैं इस वीडियो को बांटने में हंस रहा हूँ, मेरा ठीक चल रहा है भाई। भाई आधी ले ले। ये रह गया बस इन दोनों से, क्या फिर मैं जा रहा हूँ अपने शो करता भी हूँ। आप दोनों दोस्त हो क्या? हो हस्बैंड वाइफ आ रहे फिर तो। कितने दिन हो गए शादी को? हमारी वो वाली कहा हाँ ये जी 10 ईयर्स 10 साल हो गए, तुमने 14 में कर ली थी। हाँ तुम ही हो बालिका, वो तो खड़े हो ना। चल भाई कहाँ गए थे आप लोग हनीमून पे? कहाँ गए थे ये लोग? अभी अभी शादी हुई क्यों? अच्छा लॉकडाउन की वजह से नहीं गए, लोकल ही अपना जहाँ भी। ये हनीमून है आपका? शुरू करो। हम रेफरी बन जाएंगे वो। काट देना भैया। मैं नहीं हूँ उसमें। तू ये सब बोल देता है शुक्र। कल किसी का एमएस बनवा रहे थे तो इसलिए आज कि बेबी चलो कल बना था। इसलिए तो नहीं, कल की रिकॉर्डिंग लेने तो नहीं आया तू। इसका बनवा भेज भाई से।
कहाँ जाना है वैसे हनीमून पे? लास्ट क्वेश्चन, मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया, मैं दारू पीना। अभी डिसाइडेड नहीं है तो शादी से पहले डिसाइड कर लेते लोग। आप लोग कहाँ गए थे मैम? 10 साल पहले गोवा गए, तो गोवा ही था ना तब भी? ऐसा थोड़े था वहाँ पहाड़ थे। अभी शादी हुई तो कहीं और जाते, कहीं ना जाते, यहीं बैठे होते। लॉकडाउन चल रहा है, कुछ ना होता। हाँ, करते क्या हो आप? रसन कुंड में कैसे? डिजिटल मार्केटिंग का काम है। ये क्या काम होता है? ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। अमेज़न अमेज़न वाले ये? हमें ऊपर ले आओगे? इसके फॉलोवर बढ़ाओगे? ये रात को 2-2 बजे रोता है पता है? हाँ, बिना इंस्टाग्राम क्यों नहीं बढ़ रहा यार? रात को आदमी यहाँ बैठा आराम से दारू पी रहा, गदल सुन रहा, एक फोन आ रहा है कि मेरे फॉलोवर कम हो रहे हैं यार। टेंशन है थोड़ी, कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, इस काम में पैसे है क्या? किराया मेन किराया, तुमने शादी भी इसीलिए करी? तभी तो हनीमून के लड़ नहीं रही है वो। ठीक है, हो गया, अच्छी चल रही है शादी, गॉड ब्लेस यू। उनसे पूछ लेना कैसे चलती है। 10 साल से झेल रहे दूसरे को भाई, वो भरा बैठा, कह रहा 15 आदमी। क्या कह रहा 15 मतलब? 5 साल डेट, 5 साल डेट भी किया तुमने, तुम तो सब करके बैठे हो। यार ये कहां से आता है कॉन्फिडेंस की, मतलब 15 साल तक तुम्हारा तो अपने घर में भी कमरे अलग अलग होंगे। मेरे घर में बना रखे हो, ये गोवा तेरा मेरा पांडिचेरी। वो बहन जो 7 बज गए, चल पागल है क्या, मुझे नहीं याद। 5 मिनट क्या बात, 5 मिनट और कर लें। तुम्हारा बहन और थोड़ी देर चलेगा, तुम ये भी कहोगे नाच के दिखाओ। गुस्से वाला मैं चालू हो जाऊं और देखा देखी कहा, मैं भी कर ही दूं। तो एवरी टाइम लाइक बस एक इंटरेक्शन देखती हूँ या जब भी आई लुक एट मतलब स्टैंड अप कॉमेडी, बहुत ज्यादा मजा आता है। पहली बात तो मैं यहाँ पे मैं लाइक वी विल टॉक अबाउट दिस, द इंटरेक्शन इज भी मतलब बेइज्जती भी, मतलब इतना ज्यादा बेइज्जती कि ऐसा बेइज्जती भी नहीं कि ऑडियंस हर्ट हो, मतलब डिसेंट काइंड ऑफ बेइज्जती। और जो लाइक आईएएस एस्पिरेंट का जो यूपीएससी का मतलब चल रहा है उसका तो भैया मतलब इतना ज्यादा रोस्ट टाइप ऑफ कर दिया था यहाँ, मैं क्या ही बताना। लेकिन तो दोनों एक साथ हर्ष एंड बसी मतलब एक साथ, दिस वॉज लाइक वेरी गुड इंटरेक्शन बाय द वे, द वे दे सेड। मतलब यहाँ पर एक ऑडियंस ने बोला था कि यही हनीमून है, हर्ष भी लाइक तो शुरू हो जाओ फिर हम रेफरी बन जाएंगे, व्हाट इज दिस सीरियसली। मतलब अच्छी बात है लॉकडाउन है और वो कहीं नहीं जा रहे, गुड थिंग डूइंग। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।